जब पैदा हुए थे तो माँ के साथ कहाँ से जुड़े हुए थे? 80% इम्यूनिटी कहाँ पर है हमारी? और आयुर्वेद क्या कहता है, सारी बीमारियों की जड़ क्या है? तो उस नहाने के टाइम पे पहला डिब्बा पानी का नाभि पे डालना होता है। नहाने का आज तक किसी को नहीं पता कि नहाते टाइम पहला डिब्बा पानी का कहाँ डालना है। बताओ कहाँ डालना है पहला डिब्बा पानी का? हाँ, पैरों पे, पैरों। आप जब पैदा हुए थे तो माँ के साथ कहाँ से जुड़े हुए थे? नाभि से। 72,000 नाड़ियां सारी नाभि से जुड़ी होती हैं। 80% इम्यूनिटी कहां पर है हमारी? और आयुर्वेद क्या कहता है, सारी बीमारियों की जड़ क्या है? तो सबसे पहला नहाने के टाइम पे पहला डिब्बा पानी का नाभि पे डालना होता है। कम से कम 1 से 2 मिनट नाभि में पानी डालते रहो। ऐसे हाथ रख के डालते रहो या ऐसे डालते रहो। जब 1-2 मिनट में सारी बॉडी का ब्लड नाभि पर आ जाए, उसके बाद कंधों पे, सिर पे, पैर पे, कहीं भी डालो, लेकिन पहला पानी का डिब्बा नाभि पे डालना होता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, लगातार उसके लिए दवाई खा रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा, तो आज ही अपने नजदीकी शुद्ध क्लिनिक में आएं और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पाएं। पूरे देश में हमारे 150 से अधिक क्लिनिक हैं, जहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब व हिमाचल सरकारी कर्मचारी और CGHS कार्ड होल्डर्स हमारे शुद्धि क्लिनिक में अपना इलाज कैशलेस या रीइंबर्समेंट के जरिए करवा सकते हैं। अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक का पता जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।